सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। रिप्लाई सिंह हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों सकारात्मक रहने के लिए इसलिए बोलता हूं कि देखिए ब्रह्मांड का यानी कि कुदरत का एक नियम है। अगर आप कुदरत के नियम को फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी में हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। हर चीज का एक नियम होता है और नियम को यदि हम फॉलो करके चलते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, तो सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर हम इन्हीं नियम को यदि फॉलो नहीं करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। प्रकृति का एक नियम है कि जो भी चीजें आपकी जिंदगी में, आपके थॉट्स में चल रही होती हैं, वो चीजें आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव रहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको दुख है, आपकी लाइफ में दुख है, तो एक शब्द बोलिए हमेशा, ये समय भी चला जाएगा। दोस्तों देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी आकर्षण का जो सिद्धांत है, प्रकृति जो है किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। प्रकृति हर जीव जंतु को एक समान एनर्जी देकर के एक साथ मतलब एक जैसा बना करके भेजा है, लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा जो अलग बना करके भेजा है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान बना करके भेजा है, वह इंसान। मतलब कि इंसान अपना भविष्य स्वयं निर्माण कर सकता है। मैंने काफी वीडियो में ये बात बोली हुई है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं अपना स्वयं ब्रह्म हूं। ये बात सच है कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी में भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन इंसान की जिंदगी में भगवान का कोई रोल काल नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि इंसान जैसा बोलता है और सोचता है, एक दिन वो वैसा ही बन जाता है। अब किसी इंसान की जिंदगी में यदि दुख लगा हुआ है तो उसका फोकस कहां रहता है कि मेरी जिंदगी में तकलीफ है, अपनी किस्मत को कोसता रहता है, ठीक है। जब आप अपनी जिंदगी से ही प्यार नहीं करेंगे, अपनी किस्मत को आप कोसेंगे, तो आपकी जिंदगी कैसे आपको प्यार करेगी। तो अपनी तकलीफों को इग्नोर करके और आपको कहां बढ़ना है उस चीज में फोकस करिए कि जो चीज आप जिंदगी में चाहते हैं। क्योंकि जहां आपका फोकस रहेगा, जैसी एनर्जी आप क्रिएट करेंगे, वैसी एनर्जी आपकी लाइफ में फ्लो होगी। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपकी इम्यूनाइजेशन जो पावर होती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर होती है, मैं काफी वीडियो में लोगों दोस्तों आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो उसको ये समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। बस आप जो भावनाओं के साथ में सोचते हैं वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड सच समझ लेता है। मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो पॉजिटिव अफर्मेशंस बताता हूं उसको आप जरूर सुनिएगा। 41 डेज तक उसको जरूर करिएगा। काफी लोगों को काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए हमारे थॉट्स जो होते हैं इसमें एक वाइब्रेशन होती है जो भी हम सोचते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग यदि पॉजिटिव रहते हैं, अगर दुखों में ज्यादा फोकस करेंगे तो दुख ज्यादा आएंगे, और खुशियों की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे तो खुशियां ज्यादा आएंगी। तो आपको बस ये करना है कि हमेशा पॉजिटिव रह करके जो भी चीज अपनी जिंदगी में चाहते हैं। काफी लोगों का ये रहता है कि अरे मेरे पास पैसा आ नहीं रहा है, मेरे पास पैसा टिक नहीं रहा है, अपने आप को एकदम लूजर समझ लेते हैं। तो यदि आप अपने आप को खुद ही लूजर समझ लेंगे तो फिर मन के हारे हारे मन की जीते जीत, आपका मन ही आपको गवाही नहीं दे रहा कि आप कुछ कर सकते हैं। जब तक अपने अंदर वो एनर्जी क्रिएट नहीं करेंगे, किसी चीज के लायक नहीं समझेंगे, तब तक प्रकृति कुछ भी लाकर आपको नहीं देगी। लेकिन वहीं अगर आप अपने आप पर फोकस करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मेरे अंदर वो पावर है, मैं हर चीज कर सकता हूं, तो अपने आप से बोलिए, आईने के सामने खड़े होकर के डेली बोलिए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो पावर है। जब बार बार आप ये बोलते हैं कि मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, तो इससे क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को सही समझने लगता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जब बार बार हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, बार बार कोई चीज हम सोचते हैं, तो उस चीज को सच समझ के और वैसे ही एनर्जी फ्लो करने लगता है। तो आप अपनी जिंदगी में जो, जैसे कि आपको बहुत पैसा चाहिए आपको, है ना, तो आपको क्या करना है, उन चीजों के बारे में सोचना है, उन चीजों को विजुलाइज करना है कि वो चीज आपके साथ में हो रही है, और प्रेजेंट में मोमेंट में सोचना है। तो ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाता है, है ना। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। तो ये तो हो गई दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें और पॉजिटिविटी की बातें। और आज का खास जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मंगलवार के दिन में करना है। किसी भी मंगलवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 मंगलवार, 5 मंगलवार या 9 मंगलवार कर सकते हैं। 9 मंगलवार कर लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा।
काफी लोग चाहते हैं कि खुद का घर हो, बहुत सारा पैसा हो। तो मंगल जो होते हैं दोस्तों, जो कर्ज वाले हैं वो भी इस प्रयोग को जरूर करें। कर्ज उतारने के लिए आज मैं आपको मंगल का शावर मंत्र देने वाला हूं। शावर मंत्र जो होते हैं दोस्तों, ये स्वयं में सिद्ध होते हैं और ये जैसे इनका हम जाप करते हैं ये तुरंत में एक्टिव हो जाते हैं। सारे जो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों के जो कर्ता धर्ता हैं, सम्राट हैं, वो है महादेव। कलियुग के स्टार्टिंग से पहले वैदिक मंत्रों को महादेव ने कीलित कर दिया था, और कीलित मंत्रों को जब तक उत्कीलन न किया जाए तब तक ये रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन शावर मंत्र जो होते हैं, ये भगवान श्री गुरु गोरखनाथ जी ने, 84 लाख सिद्धों ने, नवनाथों ने इन इन मंत्रों को जन कल्याण हेतु कलियुग में स्वयं में सिद्ध बना दिया है। तो इन मंत्र का जाप करने से दोस्तों इसका तुरंत रिजल्ट मिलता है, त्वरित आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। तो करना क्या है दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन में कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं, वृद्ध कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। शर्त वही रहती है, स्टोन ना पहना हो आपने, अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे, मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। आपको किसी तांबे के पात्र में आधा जल और आधा कच्चा दूध, ठीक है, ये ऐड कर लेना है। यहां पर दोस्तों देखिए, मंगल के साथ साथ में चंद्र और आपके शुक्र, ये दोनों भी बैलेंस होंगे, ये भी आपका शुभ फल देंगे। क्योंकि जल जो है चंद्र है, दूध जो है चंद्र है, दूध जो है शुक्र है, ठीक है। और तांबे का पात्र आप लेंगे, ये हो गया आपके सूर्य, और इसमें आपको डाल देना है 9 पीस छोटे छोटे से गुड़ के, ठीक है, 9 पीस आप डालेंगे गुड़ के। और यदि गुलहड़ का फूल मिल जाता है, जासौन का जो फूल होता है उसे गुलहड़ कहा जाता है, तो वो 9 फूल यदि मिल जाते हैं तो और भी बेस्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उससे। क्योंकि ये गुलहड़ का फूल जो होता है आपके डायरेक्ट सूर्य और मंगल से संबंध रखता है, और गुलहड़ का फूल दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक होता है, इसका आयुर्वेद में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। 9 अगरबत्ती ले लेंगे, ठीक है, और लाल चंदन आपको ले लेना है, कुमकुम और चंदन। दोस्तों इस प्रयोग को आप करके देखिए, बहुत ही अच्छा गजब का रिजल्ट आता है इससे। पीपल वृक्ष में आपको इस प्रयोग को करना है, और जैसे कि मैं काफी बता चुका हूं कि कोई भी प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवता को, अपनी कुल देवी को, अपने पितरों को, इनसे आज्ञा जरूर लें, इनसे आशीर्वाद जरूर लें, महादेव से, गणेश भगवान से, 9 ग्रहों से, और अपने इष्ट देवता से इनसे प्रार्थना करें। कोई भी प्रयोग करते हैं तो इनका आशीर्वाद लें, इनसे प्रार्थना करें कि आप इस कार्य हेतु इस प्रयोग को कर रहे हैं तो इससे आपको सफलता प्राप्त हो। जब इनका आशीर्वाद मिल जाता है तो आप जब कोई प्रयोग करते हैं तो इनका रिजल्ट और भी अच्छा बेस्ट आता है। तो सबसे पहले अपने कुल देवता से, कुल देवी से, अपने पितरों से, महादेव से, गणेश भगवान से, 9 ग्रहों से, और इष्ट देवता से प्रयोग करने से पहले हाथ जोड़ करके पूजा स्थान में प्रार्थना करें कि आप अपने इस कार्य हेतु, धन प्राप्ति हेतु, खुद के मकान की प्राप्ति हो तो खुद के घर के योग बने, इसलिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करें, ठीक है, ऐसी प्रार्थना करके। उसके बाद में एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें आधा जल और आधा कच्चा दूध डाल दें, 9 डिगले आपको डाल देने हैं गुड़ के, 9 फूल ले लेने हैं आपको गुलहड़ के, और 9 अगरबत्ती ले लेनी है आपको, ठीक है। सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में आप कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस लोटे को लेकर के जाना है आपको पीपल वृक्ष के पास में, पीपल वृक्ष के पास में जाएं, जो आपने लाल चंदन और कुमकुम का पेस्ट बनाया हुआ था, ठीक है, तो उससे आपको पीपल वृक्ष में जो मैं मंगल का शावर मंत्र है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार मंत्र पढ़ेंगे और एक टीका आप लगा देंगे, दूसरा मंत्र पढ़ेंगे दूसरा टीका लगा देंगे, ऐसे आपको 9 टीके लगाने हैं, 9 गोल गोल बिंदु आपको पीपल वृक्ष में आपको लगा देना है, और शावर मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है। उसके बाद में घी का दिया जला देंगे पीपल वृक्ष के नीचे, उसके बाद में 9 अगरबत्ती आपको लगानी है, ठीक है, हर एक जो आपका जो बिंदु आपने टीका लगाया हुआ था उसमें 9 बार आपको अगरबत्ती घुमानी है, एक बिंदु में 9 बार अगरबत्ती घुमाएंगे, दूसरे में 9 बार घुमाएंगे, ऐसे करके 9 बिंदु में अगरबत्ती घुमा देंगे आप। उसके बाद 9 प्रदक्षिणा कर लेंगे आप पीपल वृक्ष की, ठीक है, फिर वहीं बैठ करके आपको लाल कपड़ा सिर पर रख करके और 9 बार फिर से मंगल का शावर मंत्र आपको पीपल वृक्ष के नीचे आपको जाप करना है, ठीक है। जाप पूरा हो जाता है उसके बाद में पीपल वृक्ष को प्रणाम करें और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें, ठीक है, उनको प्रणाम करें, फिर मंगल देवता से और पृथ्वी माता से, पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे क्योंकि मंगल जो है पृथ्वी पुत्र हैं, तो पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद में मंगल देव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें खत्म करें, आपके खुद के घर का योग बनाए, ऐसे उनसे प्रार्थना करेंगे और 9 अगरबत्ती आप वहां पर लगा देंगे। 9 गुलाब के पुष्प लिए हुए थे वो आप मंगल भगवान का ध्यान करते हुए ओम अम अंगारकाय नमः एक बार मंत्र पढ़ेंगे और पीपल वृक्ष की जड़ में छोड़ते जाएंगे, ऐसे 9 गुलाड़ के पुष्प आप वहां पर छोड़ दीजिए। दोस्तों अगर ये प्रयोग आप 9 मंगलवार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके खुद के भूमि भवन के योग बनना अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे,
क्योंकि मंगल का शावर मंत्र जो होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हाँ दोस्तों, इस प्रयोग को आप कर्ज से मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति का ये अचूक उपाय है। और कभी भी दोस्तों आप कर्ज लेते हैं तो मंगलवार के दिन में, शनिवार के दिन में कभी भी कर्ज ना लें। एक रुपए की भी जरूरत पड़े तो मंगलवार के दिन में कभी कर्ज ना लें, ना शनिवार के दिन में, क्योंकि मंगलवार और शनिवार के दिन में लिया हुआ कर्ज जिंदगी में कभी नहीं चुकता है। और यदि चुकाने के लिए जैसे कर्ज आपके मुक्ति के योग बन जाते हैं, कभी भी कर्ज चुकाने जाते हैं तो मंगलवार के दिन में चुकाएं या शनिवार के दिन में चुकाएं, इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी कर्ज चुकने में, है ना। तो ये प्रयोग दोस्तों आप मंगलवार के दिन में करें, ठीक है। तांबे के पात्र में ही कच्चा दूध लेंगे, आपके शुक्र भी बैलेंस होंगे, आपके चंद्र बैलेंस होंगे और साथ मंगल बैलेंस हो जाएंगे, सूर्य बैलेंस होंगे आपके। और सूर्य दोस्तों, सूर्य जिसके बैलेंस है आपको सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। काफी लोग इसको कहते हैं कि अंधविश्वास है, कि ये नहीं मानते हैं, लेकिन एक चीज आप सोचिए कि सूरज का हमारी पृथ्वी में, हमारी धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूरज पूरी जिंदगी, पूरी पृथ्वी में जीवन प्रदान कर रहा है और सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो ग्रहों की जो एनर्जी होती है सूर्य से पड़ती है, सूर्य से होते हुए हमारी जिंदगी में पड़ती है। तो ये एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी ग्रह की यदि एनर्जी आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो ऑप्टिकल्स कुछ ना कुछ लगे ही रहेंगे। इसलिए मैं काफी ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं जिससे आपके सभी ग्रह बैलेंस हो जाएं। तो दोस्तों, आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, जो मेरे चैनल पर भी न्यू आ रहे हैं, न्यू विजिटर्स आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, मैं समय समय पर क्या है कि कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स और स्विच वर्ड्स, एंजल्स नंबर्स, कुछ खास थेरेपीज जो खास समय पे की जाती हैं, ये हमेशा हम ऐसे एपिसोड में प्रसारित करता रहता हूँ। तो यदि आप लोग इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग दोस्तों मुझे अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, काफी उपाय करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी लगी हुई है, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा। उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपनी पूरी डिटेल्स व्हाट्सअप कर दें। और जैसे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा, मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि आपके घर का वास्तु भी अनबैलेंस होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे तंत्र मंत्र किया कराए वाली ऐसी कुछ क्रियाएं भी होती है घर में, कुछ खास थेरेपीज एंड टेक्निक है जिसके जरिए आपके घर का कॉल में मंत्रास के द्वारा आपके घर का वास्तु या जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है उसे हम चेक कर सकते हैं और उसका उचित निवारण दिया जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम यदि मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के और मुझसे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो लास्ट की मैं पॉजिटिव अफर्मेशन आप लोग को बताता हूं कि दोस्तों देखिए, 41 डेज तक इस क्रिया को यदि आप करते हैं, इस प्रेयर को आप करते हैं, लेकिन यहां पर शर्त ये रहेगी कि आप 41 डेज तक पॉजिटिव रहेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे भगवान से, सिर्फ धन्यवाद करेंगे। 41 डेज में दोस्तों आपको खुद ही एक्सपीरियंस, अनुभव नजर आने पर, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जो अनुभव आपको नजर आने लगेगा। देखिए, आपको सुबह उठ करके दोनों हाथ जोड़ करके खुले आसमान में आपको खड़े हो जाना है, पूरी भावनाओं के साथ में, फीलिंग्स के साथ में, कि इतनी फीलिंग्स ले आइए कि आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि यहां पूरा खेल होगा आपकी फीलिंग्स का। दोनों हाथ जोड़ करके बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है। मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, ऐसा बोलिए भावनाओं के साथ में। उसके बाद ग्रेटफुल हो जाइए। ग्रेटफुल कैसे होना है, जो भी आपको पास्ट मिला था, जो कुछ भी आपने यूज किया, हर चीज के लिए आप बोलिए धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद है। जो कुछ प्रेजेंट में आपके पास में उस चीज के लिए धन्यवाद करिए। अब जो चीज आप पाना चाहते हैं उस चीज को लेकर के आपको एडवांस में धन्यवाद करना है। आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आपको हाई प्रोफाइल बिजनेस चाहिए, आपको ड्रीम कार चाहिए, ड्रीम हाउस चाहिए, तो उस चीज को फील करते हुए कि थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज मुझको मिल गई, फीलिंग्स के साथ में, ठीक है। अब जब फीलिंग्स के साथ में बोलते हैं एडवांस में, तो प्रकृति आपको सारी अनुकूलताएं लाके देने लगेगी। 41 डेज में नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 41 डेज आप प्रेयर करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। हाँ, ये है कि पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आप बार बार इस प्रेयर को करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज जो आप चाह रहे हैं वैसी चीजें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, ये पॉजिटिव अफर्मेशन जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है, ठीक है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए चैनल में, आपको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियो बनाता रहूंगा और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे, टेक्निक से जुड़ जाएंगे।
तो दोस्तों मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, कुछ खास ट्रिक मैं बताता हूँ, तो उससे आप हर चीज हासिल कर सकते हैं जिंदगी में। मैं कुछ खास खास समय पर ऐसे वीडियो प्रसारित करता रहता हूँ, ठीक है। तो 41 डेज तक इस प्रेयर को करिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान देना है कि 41 डेज तक आपको कोई शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ आभार व्यक्त करना है। जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, जितना आप आभार व्यक्त करेंगे, जितना आप धन्यवाद करेंगे, उतना पॉजिटिविटी आएगी। और जितना आप जिंदगी से शिकायतें करेंगे, भगवान से शिकायतें करेंगे, उतनी आपकी जिंदगी में नेगेटिव थिंग्स आएगी। तो दोस्तों जब पता है, जब मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि पॉजिटिव रहने से पॉजिटिव चीजें आती हैं, नेगेटिव थिंक रखने से नेगेटिव चीजें आती हैं, तो क्यों ना पॉजिटिव रहकर किया जाए। पॉजिटिव चीजें सोचो, पॉजिटिव रहे हमेशा, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है, प्रकृति के एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। पॉजिटिव रहेंगे तो प्रकृति की एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे और हर चीज मिलेगी, लेकिन प्रकृति के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर आप हर जो चीज आपके पास में वो भी चली जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहा करें, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।